बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में आपको खुश आमदीद। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ बन रही है। मेरी फेवरेट चने की दाल और करेले जो हैं वो मैं बना रही हूँ। हाफ के जी करेले जो हैं वो मैं काट लिए हैं मैंने बारीक बारीक और उनको मैं करने लगी हूँ फ्राई। तो घी आपने उतना लेना है जितना कि इसमें अच्छे से करेले फ्राई हो जाएं और इसमें सालन भी बन जाए, क्योंकि हम इसी घी में सालन बना लेंगे। ज़ाया नहीं करना क्योंकि ये कड़वा हो जाता है तो किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने बस इतना ही लेना है जितना हमें ज़रूरत है। तो तकरीबन आधा कप मैंने इसमें घी डाला है क्योंकि करेले फ्राई होने हैं, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। साथ ही मैंने चने की दाल भी रखी हुई है बॉईल होने के लिए। एक कप मैंने चने की दाल ले ली है, भिगो दी थी पहले आधा घंटा और फिर मैं इसको कर रही हूँ बॉईल हल्का सा नमक डालकर। तो साथ साथ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती रहूँगी जब तक करेले हमारे फ्राई होते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आपने साथ साथ रहना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। जो नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो करेले फ्राई होने के बाद मिलती हूँ आपसे। जी करेले जो हैं हमारे फ्राई हो गए हैं, हल्के सुनहरी हो गए हैं। देखें इनका जो हरा रंग है ना वो ख़त्म हो जाए तो बस फिर ये कड़वे नहीं रहते। आप बेशक इसको नमक लगा कर इसका पानी निकालें या ना निकालें, क्योंकि पानी निकाल देने से मेरे ख्याल में तो इनकी अफादियत ही ख़त्म हो जाती है फिर। तो हमने इस तरह इसको फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं कि ये सुनहरी हो चुके हैं, हरा रंग इनका ख़त्म हो गया है। तो मैं निकाल लेती हूँ करेलों को बाहर, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इसी तरह मैं तमाम करेले जो हैं निकाल लेती हूँ बाहर, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी अब यहाँ पर जो घी बचा है इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट एक खाने का चम्मच है वो शामिल करेंगे। हल्का सा इसको करेंगे फ्राई। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा ज़रूर। और मुझे कमेंट करके भी बताना है आपने कैसी लगी है रेसिपी आपको, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें। जी लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, जल्दी फ्राई इसलिए हो गया है कि ये पहले से ही घी बहुत ज़्यादा गर्म था, आप देखें कलर इसका बदल चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास एक पाव प्याज है, मैं इसको बारीक मैंने काट लिया है तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। प्याज को हम हल्का सा सुनहरी करेंगे। साथ ही दाल हमारी हो रही है बॉयल। प्याज हमारी जो है ना वो हल्की गुलाबी हो गई है तो बस हमें इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा हम अभी नहीं करेंगे। तो साथ में हम टमाटर डालेंगे, एक पाव टमाटर हैं तो मैंने टमाटर को काट लिया है बारीक। आप चाहें तो छिलका भी डाल सकते हैं अगर छिलके नहीं गलते जल्दी। तो टमाटरों को प्याज के साथ ही भूनेंगे, टमाटर ज़रा घुल जाए इसमें। साथ ही हम मसाले शामिल करेंगे। जी तो मसालों में हमने लिया है नमक आधी चाय की चम्मच, क्योंकि हमने दाल में भी शामिल किया था थोड़ा सा, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें। कुटी हुई मिर्च जो है वो एक चाय का चम्मच ली है। लाल मिर्च का पाउडर आधी चाय की चम्मच, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। धनिया कुटा हुआ लिया है एक चाय का चम्मच। आधी चाय का चम्मच जीरा है, आधी चाय का चम्मच हल्दी है, थोड़ी सी ली है करौंजी, थोड़ी सी अजवाइन। तो तमाम चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शामिल कर दी हमने, और अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। साथ साथ प्याज टमाटर और मसाले और लहसुन का अदरक का पेस्ट हम साथ साथ भुनाई करते जाएंगे और ये गलते जाएंगे। हमने इसका मसाला जो है वो थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है, बहुत धुला हुआ इसका मसाला नहीं होता, बहुत मुलायम नहीं होता। तो ये भी एक तरीका है पकाने का, इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो टमाटरों को इस तरह करके मैश भी कर लें, क्योंकि आजकल टमाटर जो हैं वो कुछ इस किस्म के आ रहे हैं कि वो सही तरीके से गलते ही नहीं हैं और खड़े खड़े से रहते हैं। तो मैं अक्सर पेस्ट बना के डाल देती हूँ लेकिन इसमें पेस्ट जो है वो अच्छा ना लगता। तो हल्की आंच पर हम इसको फ्राई करते रहेंगे। जी देखिए मसाला जो है वो अच्छा सा बन गया है, बस इतना ही हमें खड़ा खड़ा चाहिए। अब हम इसमें फ्राई हुए हुए करेले शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें चने की दाल भी शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। और मैं बताती हूँ कि अब हम इसमें और क्या क्या चीज़ें डालेंगे, ठीक है। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर दें। और दूसरी बात ये है कि इसमें पानी नहीं शामिल करना आपने, इसको अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ। मिक्स कर दिया, अब हम इस पर डालेंगे आधी चाय के चम्मच गर्म मसाला मिक्स और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, आप चाहें तो हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं, और 2 अदद नींबू का रस। ये जो है इसका टेस्ट बढ़ा देगा, इसकी खटास जो है वो ख़त्म कर देगा। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए इसको
दम पे रखेंगे, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी चने की दाल और करेलों की फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी? तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।